First Choice Kids Wear धमाका सेल ऑफर अप टू 40-60% डिस्काउंट के साथ स्पेशलिस्ट इन किड्स वेयर फैंसी बाबा सूट चूड़ीदार वेस्टर्न आउटफिट होस्टी आइटम्स और भी बहुत कुछ। फर्स्ट चॉइस 9 साल से है आपकी चॉइस, वैरायटी की भरमार, अच्छी क्वालिटी, कम दाम। आज ही आए फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुंब्रा के वाई जंक्शन पर। आपको बता दें मुंब्रा वाई जंक्शन पर एक TMC का गार्डन था, लेकिन ये गार्डन काफ़ी सालों से बेहद ही खस्ता हालत में था और एक RTI कार्यकर्ता ओवैस शेख इसकी लड़ाई भी लड़ रहे थे। और आपको बता दें एक मंसूरी नाम का शख्स जो है इस गार्डन पर कब्जा जो है जमा लिया है और यहाँ पर एक पब्लिक नोटिस बोर्ड भी लगा के रखा है और सर्वे नंबर 931 बता रहा है। लेकिन जो सर्वे नंबर 931 है वो दरअसल दूसरी ज़मीन का सर्वे नंबर है और ये गार्डन जो है इस गार्डन पर किसी भी तरह का केस नहीं है, ये गार्डन बिल्कुल सेफ है, ऐसी जानकारी जो है ओवैस ने हमें दी है। बहरहाल यहाँ पर मनपा के अधिकारी और जो है विरोधी पक्ष नेता शानू पठान आज यहाँ पर विजिट किए थे। इस दौरान हमने उनसे भी बात की है, इस गार्डन को लेकर उनका क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन बहरहाल जिस तरह से जो मंसूरी नाम का शख्स है उसने इस गार्डन पर किस तरह से कब्जा किया और ये जो सर्वे नंबर यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है कि सर्वे नंबर 931 ये किस ज़मीन का सर्वे नंबर है और क्या गार्डन पे भी किसी तरह का केस चल रहा है, इन सब पर पूरी जानकारी जो कई सालों से इस गार्डन को लेकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं ओवैस शेख, हम उन्हीं से बात करते हैं। जिस तरह से आज यहाँ पर सभी अधिकारियों ने दौरा किया और उनका भी कहना था कि प्रशासन से जो मंसूरी है उसका कोर्ट में मैटर चल रहा था और कोर्ट ने उसके हक में फैसला दिया, अब हम शहर विकास से इसकी बात करेंगे, मनपा अब इसको अपने ताबे में लेगी, कोर्ट में केस जाएगा, कहाँ फाइनल होगा, ये बड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा। लेकिन असलियत इस ज़मीन की है क्या आप बताएंगे? जी, मैं ये 2017 से मैं इस चीज़ को फॉलोअप कर रहा हूँ गार्डन के लिए और इसके पहले के बहुत सारे इसमें इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जहाँ पर गार्डन डिपार्टमेंट में इसने 12 लाख रुपए खर्चा की है, अबू सफियान करके एक नगर सेवक है। तो ये राइट फ्रॉम 20 ईयर्स जो है ये गार्डन है, बाउंड्री भी थी, ये रोड कटिंग की वजह से ये बाउंड्री कट गई है और उसके बाद में ये 2016 का ये ऑर्डर निकाल रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो भी 931 का बने, क्योंकि 931 जो है वो पीछे का प्लॉट है और ये बाजू वाली भी दुकान जो है 931 नहीं है और ना ये प्लॉट 931 है। तो कोई बैनर लगाने से अगर कोई ओनर हो जाता तो क्या बात होती? अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो वो तहसीलदार के पास जाए, मार्किंग करे और बाद में बोले कि हाँ भाई तहसीलदार आए या कलेक्टर आए और बताए, मार्किंग करे कि यहाँ पे हमारी लैंड है या सलीम मंसूरी की, ये तो सिर्फ ओपनली लगा कि वो भी एक 100-200 रुपये का पेपर लगा के हमको गुमराह कर रहे हैं। TMC भी इस पर कहीं ना कहीं उसको डिटेल में सोच रही है। CMC को सिर्फ यही सोचना चाहिए कि रोड कटिंग हुई, गार्डन तबाह हुआ, उसको वापस बनाए, उसको सर्कुलेट करे और कोई भी बात नहीं है। TMC को इसको ज़्यादा भाव भी नहीं देना चाहिए इस चीज़ को और इसको जल्द से जल्द एक्टिव करके दे देना चाहिए, क्योंकि लंबा प्रोसीजर में जाएंगे तो एट दी एंड सोल्यूशन यही आएगा कि 931 उसकी है लेकिन ये 931 नहीं है, तो हम हारने के लिए क्यों कोर्ट लड़े, कोर्ट में केस लड़े? हम तो मानते हैं कि 931 पे उसका क्या बोलते हैं 712 में उसका नाम है, लेकिन 931 ये है क्या? पहले TMC कोशिश करेगी ये जानने के लिए कि 931 है, कलेक्टर और में जाके लैंड रिकॉर्ड देखिए, टाउन प्लानिंग में देखिए 931 है क्या। अगर 931 है तो बात अलग है, ये तो खदान की लैंड है तो इसमें तो गवर्नमेंट की लैंड है, तो गवर्नमेंट की लैंड कौन थोड़ी ना खरीद सकता है। और उसने ऐसे दिखाया है कहीं ना कहीं फॉल्सेशन करके, मेरा एक झोपड़ा था और मैंने उस पर मेरे को इसको टैक्स लगाने दो, तो उसको गवर्नमेंट कलेक्टर ने बोला कि तुम्हारा 931 पे झोपड़ा था, तुम इस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन किए, तुम टैक्स लगा के लो, बट 931 का है सर, ये 931 नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही अपोजिशन लीडर से जितेंद्र, 931 ये सर्वे नंबर कहाँ पर? बाजू की बिल्डिंग, ये जस्ट पीछे वाली बिल्डिंग है, वो भी धूर है, ये बिल्डिंग भी खदान की है और ये जो है रोड में पूरा जो है खदान लैंड है। शानू भाई, जो मंसूरी जो है बता रहे हैं कि वो इस ज़मीन को लेकर जो है कोर्ट में केस लड़ रहे थे, लेकिन जो ज़मीन है वो 931 है, वो बाजू की ज़मीन जो है बताई जा रही है, ये खदान लैंड है। देखिए मैं एक बात बताऊँ, ये जमीन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, लेकर क्यों कोर्ट में जा रहे हैं? बड़ी दिक्कत ये है कि महानगर पालिका को पार्टी नहीं बनने की वजह से ये प्लॉट अपने निकाल उनके फेवर से आ गया। सुनिए, आप सुनिए, कोर्ट ने जो जमीन, तो सुनिए, तो शहर विकास की मीटिंग लगाया नेक्स्ट वीक स्थानिक कॉर्पोरेटर के साथ मैंने, जब
जब मीटिंग लगा शहर विकास की मीटिंग लगाया हूँ, शहर विकास की मीटिंग लगाया हूँ संबंधित अधिकारी स्थानीय कॉरपोरेटर के साथ मिलकर, जैसे जमीन पहले थी वैसे ही महापालिका अपने कब्जे में लेके यहाँ के लोगों को गार्डन के लिए देगी। नहीं, लेकिन जमीन ये नहीं, जो मंसूरी ने जो केस जीता है वो 93-1 वो इसके बाजू की जमीन बताई जा रही है, ये खदान लैंड इस पे कोई केस नहीं है, सेफ जमीन है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीज शहर विकास क्लियर करेगा। आज विजिट करने का मकसद है कि मंत्री मोदी जी का के पास भी शिकायत थी, उन्होंने बोला था कि सब चीजों को देखा जाए। मुमरा कौसा की जितनी आरक्षित जगह है, गार्डन, मैदान, हॉस्पिटल, वो सारी जगहों पर जो आप बनकम होने नहीं दिया जाएगा, जमीन पे जो लोगों की आरक्षित जगह है लोगों के नहीं रहेगी। जब इस जमीन पे कोई केस नहीं है तो फिर इसको किस तरह से जांच की, शहर विकास के जरिए इसको ताबे में ले लिया जाएगा। कोर्ट असल एक्चुअली आप कंफ्यूज हो रहे हैं, और कलेक्टर के जगह पे ये खदान लैंड है। मेरी बात सुनिए ना, कोर्ट को महापालिका को नहीं लेते हुए कहीं ना कहीं गुमराह किया गया। महापालिका जो सर्वे नंबर दूसरा दिखा रहे और ये जमीन दूसरी है, ये सारी चीजें कोर्ट को क्लियर करना पड़ेगी, क्योंकि जो मंसूरी है उन्होंने महापालिका को भी लेटर दिया कि ये झूले और ये सब निकालो, मतलब समझ रहे। तो ये सबकी सारी चीजों को पेपर वर्क पर खुलासा होगा और ये शहर विकास के जरिए इस वीक में हो जाएगा, और आने वाले वक्त में कोर्ट में भी ऑनरेबल कोर्ट को ये सारी चीजें दिखा के महापालिका अपने ताबे में प्लॉट ले। सलीम मंसूरी बोल के जो उन्होंने हमको पार्टी नहीं बनाया था, डायरेक्ट हमारे पास कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट की कॉपी आ गई, तो हमने देखा ये तो जगह में हमारा गार्डन है, तब उसका जब डिस्कवरी किया तो अभी हमने फिर गार्डन डिपार्टमेंट से एक लेटर भेजा, भाई अपना कुछ इधर काम हो गया, तो उन्होंने लिखित दिया कि इधर काम हमारा हो गया। तो ये 2016 से मैटर चल रहा था और गार्डन 2002 में और 2004 में और 2007 में कब्जा किया, तब किसी को अपडेट नहीं था क्योंकि हम कब्जेदार थे, अभी भी हम कब्जेदार हैं। अभी हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि जैसा गार्डन पब्लिक को पहले मिला था वही गार्डन अपने को बनाने का, अगर ऐड कर दो ऑनरेबल कोर्ट के बाहर तो कोई काम नहीं करते हैं, उनके जैसे ऑर्डर आएगी उनको रिक्वेस्ट करनी है भाई हम कब्जेदार हैं, वही सब आगे का जैसा जैसा प्रोसीजर होता है, मगर अपन गार्डन के लिए बचाने के लिए टीएमसी पूरी कोशिश करें।